नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता कढ़ाई ब्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 हो गए हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना काम निपटाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉजिटिव थॉट्स कि सड़क कभी ना सीधी नहीं होती, उसकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना मोड़ आते रहते हैं। तो हम उन मोड़ों के लिए क्या करते हैं कि हमेशा तैयार रहते हैं। उसी तरह हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में भी कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो ऐसे ही ना तो हमें सुखों से कहते हैं सुखों में हमें कभी भी अपने कहते हैं अहंकार घमंड को या किसी और के साथ कैसा व्यवहार है उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। और दुख में हमेशा हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी मतलब एक होता ना कि निराशा आ जाती है मन में, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर दुख आया है तो एक ना एक दिन सुख भी ज़रूर आएगा, और अगर सुख आया है तो भगवान का कोई भरोसा नहीं है। भगवान हमें क्या वक्त दिखाए तो उस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी दुख भी आ सकता है। तो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है। सुख में हमें ज़्यादा मतलब घमंडी नहीं होना है और दुख में ज़्यादा डीमोटिवेट या ज़्यादा निराश नहीं होना है। तो दोनों परिस्थितियों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे कि रोड पे हमें पता होता है अगर मोड़ आएगा तो हम इस तरीके से गाड़ी मोड़ेंगे तो उस मोड़ को हम पार कर जाएंगे। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी होती है। तो कैसे लगा आपको मेरा ये विचार बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी, जो कि आलू और बैंगन की सब्ज़ी है, जो कि मैंने डाल दी है कढ़ाई में। मतलब मैंने पहले आलू बैंगन ऐसे ही तेल डाल के और उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करके ऐसे ही फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद नमक मिर्च और हल्दी जो कुछ भी डालना है उसके बाद डालूँगी। और आज मौसम ना बाहर बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। बस मैं तो सुबह उठती हूँ सबसे पहले मौसम ही देखती हूँ कि कैसा हो रहा है, कि बारिश वारिश आजकल 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि जैसे ही सुबह उठता है ना तो बाहर बूंदाबांदी शुरू हो रखी होती है। सुबह सुबह ही आती है बारिश, दिन में कभी कभार आ जाती है तो आ जाती है, नहीं तो सुबह बच्चों का स्कूल जाने का टाइम होता है, मतलब हर किसी का कहीं ना कहीं जाने का टाइम होता है और सुबह ही बारिश आ जाती है। तो मतलब बहुत ही अजीब लगता है। तो क्या करें अब, मतलब बारिश हो आंधी आए तूफान आए कुछ भी है, जो काम करना है तो करना है, जिस काम पे जाना है तो सबको जाना है। तो हर कोई कैसे कैसे करके अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है अपने काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जी चढ़ा चुकी हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी फटाफट बना लेती हूँ फिर उसके बाद बाकी घर के काम निपटाने हैं, तो उसके बाद मुझे निकलना है स्कूल के लिए जैसा कि आप सभी को पता है। और गर्मी अब पहले से कम हो चुकी है, इतनी गर्मी नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले फटाफट रोटी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है आंवले का मुरब्बा, जो कि 1 महीना हो चुका है। मतलब पिछली बार जब राशन लाए थे ना हम तब लेके आए थे, तो वो ऐसे ही डब्बे में जैसे डाल के रखा ना, वो फ्रिज में ऐसे ही रखा हुआ है। तो आज ही मैंने निकाल के खाया है, एक बार बीच में और खाया था उसके बाद नहीं खाया, ऐसे रखा हुआ है। ये बच्चे भी नहीं खाते क्योंकि मीठा ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे 2 आंवले निकाल लिए थे, एक इनके लिए एक अपने लिए। और फिर मैंने सोचा चम्मच में रख के खाते रहूँगी, सुबह सुबह ना मीठा खाने का मन ही नहीं होता। तो आज बस मैंने सोचा ख़त्म तो करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, दिन में भी टाइम नहीं लगता खाने का, तो इसलिए आज सुबह ही निकाल लिया। मैंने कहा धीरे धीरे आदत बनाऊंगी। तो सुबह कहते हैं आंवला ना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं इसके अंदर। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और मैंने नींद भी कर ली। आज तो मैं सब पक्का ही सोऊंगी क्योंकि इतनी थकान हो रही थी ना कल से कि मतलब स्कूल में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो इसलिए आके सो गई। मैं आवाज़ कम करना फोन की, तो आके सो गई। और 1 घंटा नींद करने के बाद अब उठी हूँ और पति देव ने ये देखिए बना दी है चाय, और शिवाय ने सारे टेबल पर अपनी प्लेट फैला रखी, शिवाय इकट्ठी कर ली उसे। और ये देखे बैठे हुए और शिवाय यहाँ पे खा रहा है बिस्कुट, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट सीरियल 10 मिनट चला दिया है, तो वो देखूंगी बैठ के और साथ में पीऊंगी चाय और साथ में मुझे अभी वीडियो पे एडिट करनी है। चलो मैं पहले वो कर लेती हूँ काम। तो हेलो गाइस, ये देखिए हम सब बैठ के यहाँ पे क्ले से खिलौने बना रहे हैं। आराध्या शिवाय में हम तीनों बैठ के यहाँ पे क्ले के साथ खेल रहे हैं।
तो ये देखिए मैंने क्या क्या बना लिया है। ये देखिए ये फिश बना लिए मैंने, पेंगुइन बना लिए। शिवाय क्या बना रहा है? गणेश जी बना रहा है। चलो मैं अभी ये बना रही हूँ। क्या आ रहा था ये? डॉग। पकड़ से फोन पकड़। देखिए अब इससे मैं बना रही हूँ डॉगी। डॉगी डॉगी डॉगी। इसको हम साइड वाली एक्स्ट्रा क्ले को निकाल लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा क्ले हमने इसके निकाल ली है, तो अब हम इसे ऊपर उठा रहे हैं। और मेरे बन गए हैं गणेश जी। तो ये देखिए हमारा डॉगी बन के, लेकिन ये ना नीचे चिपक जाता है इसका। अब हम इसके साइडों को कर देंगे अंदर ऐसे। शिवाय कार देना। कार तो ये देखिए हमारा डॉगी भी बनके हो चुका है तैयार। और शिवाय गणेश जी दिखाना आपने। वाओ शिवाय ने गणेश जी बना लिए। इनका मुकुट तो बना। बनाऊंगा ना, हाथ तो बना दो। तो ये देखिए शिवाय का गणेश जी बनके हो चुके हैं तैयार। वाओ शिवाय आपने तो बहुत अच्छे गणेश जी बनाए। सिर्फ एक मिस्टेक करी है, एक आंख बड़ी बना दी, एक छोटी बना दी। आइज देख और बहुत ही अच्छे देखिए क्ले से बनाए हैं शिवाय ने गणेश। कैसा लग रहा है आपको बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए गाइस ये हैं शिवाय ने बनाए हैं गणेश जी वो है, और ये मैंने बनाया है शिवलिंग वो है। ये नहीं रखना बीच में। और ये है जो आराध्या ने बनाए हैं गणेश जी वो है। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो गाइज ये देखिए आज मैंने बच्चों के साथ मिलके बहुत मस्ती करी। हम लोग बहुत देर से क्ले के साथ खेल रहे हैं बैठ के यहाँ पे। ये देखिए तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, देखिए सबके बने हुए हैं भगवान यहाँ पे। चलो अब इनको रखो, अब बैठ के करो पढ़ाई। कल का आराधन रिवीजन शेड्यूल फॉलो कर, और शिवाय तुम अपना लर्न कर। मंडे को एग्जाम तेरा कौन सा है? शिवाय मंडे कौन सा है? मंडे को कौन सा है हाफ ईयरली में? ईवीएस है ना, तो ईवीएस लर्न कर। तेरा कौन सा है? एसएसटी है ना, तो एसएसटी कितने चैप्टर लर्न हो गए? और टोटल कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं ना, 2 लर्न कर आज। तो ये बैठ के अब अपनी करेंगे पढ़ाई, और मैं लगूंगी शाम के काम में, क्योंकि देखिए टाइम हो गया है 5:45 होने वाले हैं। तो अब मैं अपना शाम का काम स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने सोचा आज कपड़े धोऊंगी, फिर घर आता ही ना हल्का सा जाती है, फिर सोचा कल धो दूंगी मैं। तो कपड़े नहीं धोए और बस बैठ गई इनके साथ खेलने में। कभी कभी बच्चों के साथ भी खेलना चाहिए, है ना राजा? तो चलिए अभी मैं अपना काम निपटाती हूँ। ये क्या बनाया शिवाय ने? क्या ये? कौन सा बंदा बनाया? शिवाय ने बंदा बनाया। तो चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ काम।